पोए का साग थोड़ा लिबलिबा होने के कारण अधिकतर लोग नहीं बनाता है और नहीं खाता है, लेकिन आज मैं जिस तरीक़ा से आपके साथ बना करके पोए का साग शेयर करूंगी, दोस्तों आप भी बनाने लगेंगे और खाने लगेंगे। तो पोए का जो साग होता है ना दोस्तों, वो पालक के साग जैसा ही होता है, बस इसका जो थोड़ा पत्ता होता है ना थोड़ा मोटा होता है और पालक से कई गुना ज़्यादा टेस्टी ना ये पोए का साग लगता है खाने में। ये साग दोस्तों दो तरीका का मतलब दिखने में होता है, एक तो थोड़ा सा लाल कलर का भी होता है और थोड़ा ग्रीन कलर का भी होता है। तो सारे देखिए हम यहाँ पे पत्ता और डंठल सभी को हम तोड़ लेते हैं और जितना भी मतलब अजू अजू पत्ता है ना हम उसी का यूज करेंगे। वैसे ये तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। सारे पत्ता देखिए हम यहाँ पे तोड़ लिए हैं और जो भी मतलब हार्ड वाला डंठल है ना उसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको गाय बकरी को हम दे देंगे। तो लीजिए सारा पत्ता देखिए हम यहाँ पे तोड़ लिए हैं। बस इसे हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले पानी से हम धो लेंगे। कोई भी साग हो काटने से पहले आप उसे पानी से ज़रूर धो लें ताकि जो उसका फ़ायदा है आपको पूरा पूरा मिल सके। तो लीजिए मैं यहाँ पर 3-4 पानी पोए का साग का पत्ता जो है उसको हम धो लेते हैं और इस तरीका के हम छलनी में रख करके बर्तन पर रख देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तब तक हम यहाँ पे मसाला देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया लिया है, सरसों लिया है, थोड़ा सा जीरा मिर्च है, लहसुन है और हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों हरा मिर्च और हल्दी है। आप इसमें ना सूखा मिर्च नहीं डालें क्योंकि हेल्दी है पोए का साग, तो आप हेल्दी तरीके से बनाइए और साग में ना हरा मिर्च ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारा मसाला को हमने पीस लिया है सिलवटा पर और बस इसको हम रफली काट लेंगे। ये बहुत जल्दी गल भी जाता है। आप चाहे तो मिक्सर में भी मसाला पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलवटा पर मसाला पीस के बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन के ये साग तैयार होगा। तो लीजिए सारा हमने काट लिया है, बस हम इसको बनाएंगे दोस्तों सरसों का तेल में। और जैसे ही तेल गर्म हो गया है मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा धनिया जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं और काफ़ी अच्छा जो है चटक गया है। अब हम फिर से इसमें डालेंगे दोस्तों हरा मिर्च कटिंग करके। साग में ना बहुत मतलब हरा मिर्च की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि साग जो है ना थोड़ा सा अगर कम तीखा बनेगा ना तो फिर खाने का जो मज़ा है ना ख़त्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक आलू भी कटिंग करके डाल दिए हैं ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले करके खाएँगे। और जो हमने मसाला पीसा था उसको भी हम इसी स्टेज पर डालेंगे ताकि मसाला जो है पहले भुजा जाए, नहीं तो जैसे ही हम पत्ता डालेंगे पानी पानी छोड़ देगा और मसाला जो है अच्छा से नहीं भुजाएगा, जिसके कारण जो हमारा जो सब्जी है साग है वो अच्छे तरीके से बन के रेडी नहीं होगा। तो लीजिए यहाँ पे हमने मसाला को अच्छे तरीके से भूज लिए हैं। कभी भी कोई भी साग बनाना तो सबसे पहले उसका आप मसाला भूज लें। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर खाइएगा, आप भी पोए के साग का दीवाना हो जाएंगे क्योंकि ये जो साग है दोस्तों बहुत ही हेल्दी है। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सारा ये मतलब साग, एक बार में अटेगा नहीं तो थोड़ा देर रुक जाएंगे ना तो फिर ये गल जाएगा, तो फिर दोबारा हम करके भी डाल देंगे। बस इसमें हमें अभी नमक नहीं डालना है, थोड़ा हमें इंतज़ार करना है क्योंकि ये साग जो है बहुत गल के थोड़ा हो जाएगा। और ये जो साग है ना दोस्तों इसका बहुत ही फायदा है, खून बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये खून साफ करता है, पेट को साफ करता है और जिसका पेट साफ रहेगा उसका मन जरूर खुश रहेगा। तो लीजिए यहाँ हम देखिए गल गया है, इसको अब हम चला लेते हैं और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे नमक क्योंकि जो भी पानी छोड़ना होगा ना छोड़ देगा तो उसी पानी से सब्जी जो है बन के रेडी हो जाएगा। मुझे अलग से पानी यहाँ नहीं डालना है, बहुत लोग अलग से पानी डाल देता है लेकिन उतना डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, साग जो है ऑटोमेटिक पानी छोड़ता है। और अब हम इसे क्या करेंगे, एकदम कम आंच पर इसे हम उसी पानी में पकाएंगे, उसे आलू भी पक जाएगा, मसाला भी पक जाएगा और साग भी जो है बनके हमारा रेडी हो जाएगा। और हम इसे क्या करेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से सुखाएंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो पोए का साग जो है ना लिबलिबा बन के रेडी होता है, जिसके कारण लोग खाना पसंद नहीं करता है, खासकर बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े तो चलो फिर भी समझ के खा लेते हैं कि बहुत फ़ायदा करता है, हमें खाना चाहिए है ना। तो जब भी आपको ये पोए का साग अपने मार्केट में दिखता है तो आप ज़रूर इसे 2-4 बार खाइए। कोई भी सीजनली सब्जी हो या फल हो हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को क्या होता है, ज़रूरत होती है, नीड होती है
और ये देखिए कितना सूखा जो है ये साग बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल लिबलिबा नहीं बनके रेडी हुआ है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए, पोहे का साग एंजॉय करिए, पूरा पूरा फ़ायदा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पूजा फूड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग रेसिपी में अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।